हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा जिला समन्वय समिति की बैठक, उपचुनाव को लेकर हुआ मंथन, कहा कृषि बिल को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है विपक्ष, 25 को बूथ स्तर पर मनाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा ऑनलाइन और तकनीकी के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को किया जा रहा है सुदृढ़, उत्तर प्रदेश को बनाएंगे उत्तम प्रदेश। सुमेर सागर ताल पर तहसील सदर प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी, ताल पर अवैध कब्जाधारियों द्वारा दाखिल 3 रिट याचिका को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने किया खारिज। एसडीएम सदर ने कहा जल संरक्षण के साथ पर्यटन के रूप में विकसित होगा सुमेर सागर ताल, महानगर के अन्य तालों पर भी किए गए अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने बुधवार को बीएसए कार्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एडी बेसिक कार्यालय तथा डाइट का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित पाए गए 2 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने के दिए निर्देश। लगातार हो रहे बारिश और बिजली के फॉल्ट से महानगरवासी हुए बेहाल, बुधवार की रात में और बृहस्पतिवार को भारी बारिश का है पूर्व अनुमान, मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं, जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से है सतर्क। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मान्यता प्राप्त पत्रकार समन्वय समिति की बैठक, कोरोना सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों की समीक्षा बैठक, कहा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर बढ़ाएं कोरोना जांच की संख्या। गोरखपुर में बुधवार को कोरोना के मिले 208 नए संक्रमित मरीज, 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,520, एक्टिव मरीज हुए 1,429। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रधान डाकघर परिसर में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, जताया विरोध, अपनी मांगों को पूरा करने की मांग। बाबूधाम ट्रस्ट द्वारा जनपद में निःशुल्क सैनिटाइजेशन कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ, ट्रस्ट के संस्थापक ने कहा सैनिटाइजेशन के जरिए भगाएंगे कोरोना को। और 25 सितंबर को छात्र संघ के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की पुण्यतिथि पर होगी श्रद्धांजलि सभा, छात्र नेताओं और अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।